अगर आपके साबूदाना वड़ा भी तेल में जाके इस तरह से फट जाते हैं, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ साबूदाना वड़ा बनाने की एकदम फुल प्रूफ रेसिपी, जिससे एकदम परफेक्ट बनेंगे, फूले फूले बनेंगे, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। तो चलिए मेरे साथ और मिलकर बनाते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कप साबूदाना लिया है और हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हमें वॉश करना होगा। तो बस धीमे हाथों से इस तरह से आप इसको रगड़ें, मतलब बहुत ज़ोर से ना रगड़ें, और दो से तीन बार इसको अच्छे से धो लें। तो ये देखिए, मैंने साबूदाना को बहुत अच्छे से धो लिया है और अब हमें इसे सोक करना होगा। तो हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी ना बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। जितना साबूदाना है उससे बस इतना सा ऊपर, मतलब आधा इंच ऊपर पानी डाल के हमें इसे दो से तीन घंटे के लिए सोक होने रख देना है। साबूदाना को मैंने ऑलमोस्ट 3 घंटे तक भिगोया था और आप ये देखें, एकदम अच्छे से इसने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और ये अंदर से भी ना बिल्कुल सॉफ्ट हो गया अगर आप इसको दबा के देखोगे। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने 1 कप यहाँ पे साबूदाना भिगोया था और भीगने के बाद ये ऑलमोस्ट 2 कप हो जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ और चीज़ें। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें हरा धनिया, तो काफ़ी सारा हरा धनिया डालना है बारीक करके। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, तो क्योंकि हम व्रत का बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे, तो हरी धनिया, हरी मिर्च और इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। तो अच्छे से डालेंगे तीनों चीज़ें, जिससे इसका टेस्ट अच्छा रहे और थोड़ा सा स्पाइसी बने खाने में। बस इनको हल्के हाथों से इस तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम डालेंगे यहाँ पर मूँगफली। तो ये 1/2 कप कुटी हुई मूँगफली है और एक कच्ची मूँगफली थी, मैंने बस इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है या कूट लिया है। और आपने देखा कि मैंने इसके छिलके नहीं हटाए हैं, तो अगर आप चाहो तो छिलके हटा लो, वैसे मैं तो नहीं हटाती हूँ। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे उबले हुए आलू। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रेटर की मोटी वाली साइड है ना, उससे घिस के डालेंगे। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, साबूदाना बड़ा बनाते समय आलू को अच्छे से घिस के डालें। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेंगे और डो में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आएगी, तो वो तेल में फटेगा नहीं। और एक बात का और ध्यान रखना है यहाँ पे हमें, कि आलू जब ठंडे हो जाए ना एकदम, तब आप उनको छीलें और साबूदाना वड़े में यूज़ करें। अगर आप गरम गरम आलू यूज़ करेंगे तो क्या होता है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिससे मिक्सचर जो है बहुत गीला हो जाएगा और हमारे साबूदाना वड़े तलते समय फट जाएंगे। ये देखिए, मैंने सारा आलू घिस लिया है और अब यहाँ पर है मेरे पास अदरक का टुकड़ा, इसको भी मैं घिस दूँगी। तो अदरक करीब इसमें आप 1 टीस्पून भर के अच्छे से ग्रेट करके डाल दें। और अब हम इसमें डाल देंगे करीब 1 टीस्पून ज़ीरा। तो अगर आप क्या ज़ीरा खाते हैं तो आप डालें व्रत में, नहीं खाते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। साथ में हम इसमें डाल देंगे नमक और इन सभी चीज़ों को अब हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो पहले बस हम बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे, जिससे जो आलू है वो साबूदाने में थोड़ा सा मिक्स हो जाए। और अब हम इसको हाथों से इस तरह से मसलते हुए इसका डो जैसा लगाएंगे। तो अगर आपके साबूदाना वड़े फट जाते हैं ना तेल में, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा, तो जो वड़े हैं ना एकदम परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट रहेंगे। तो ये देखिए, मैंने सभी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और अगर आप इसको हाथ में लेंगे ना, ये देखिए, तो आप इसकी परफेक्ट इस तरह से गोला बना पाएँ। और ये देखिए, अगर मैं दूसरे हाथ में ले रही हूँ ना इसको इस तरह से, तो आप देखिए मिक्सर ना मेरे हाथ पे बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। तो इतना ड्राई मिक्सर होना चाहिए, तभी हमारे साबूदाना वड़े बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो बस अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियाँ बनाने के लिए हम हाथों में हल्का सा ऑयल लेंगे बिल्कुल, और हाथों को ग्रीस कर लेंगे। और जितनी भी बड़ी आपको टिक्कियाँ बनानी हो ना, उतना डो आप हाथ में लें, उसको अच्छे से पहले रोल करें और फिर इसकी टिक्की बनाएं। और टिक्कियाँ में ना आपको ध्यान रखना है कि बहुत मोटी मोटी सी नहीं बना देनी है, मीडियम थिकनेस की बनाएंगे और जो इसके साइड्स हैं ना वो ज़रूर आप एक से करते रहें। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से हमें टिक्कियाँ तैयार करनी है। तो बस इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ तैयार कर लूँगी और आइए अब इनको फ्राई करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर तेल को गर्म किया और अब देखें, मैंने बहुत ऊपर तक तेल नहीं लिया है, थोड़ा सा ही तेल लिया है। और अब हम पहले इसमें एक वड़ा डाल के देखेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी इस तरह की चीज़ें बना रहे हो जिसमें फटने का थोड़ा सा डर हो, तो पहले आप एक फ्राई करके देखें, उसके बाद ही वड़े डालें उसमें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो पूरे जितने वड़े बनाए हैं वो सारे ही तेल में फट जाएं और वो ख़राब हो जाएं। तो ये देखिए, जो वड़ा हमने डाला है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं फट रहा है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम हाई पे रखना है और आप देख रहे हो ना इसमें बबल्स आ रहे हैं अच्छे से। थोड़ी देर तक हम इसको टच नहीं करेंगे, ऐसे ही सिकने देंगे और उसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा सिक गया है, हम इसको पलट देंगे और ये देखिए कितना सुंदर तरीके से ये फ्राई हो रहा है, बिल्कुल फट नहीं रहा है। तो आपको बस थोड़ी सी ट्रिक्स का ध्यान रखना होगा, आपके साबूदाना बड़े ना एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो ये देखिए, ये वड़ा तो हमारा एकदम परफेक्ट बन गया है। तो अब हम इसमें बाकी के वड़े भी डाल देंगे और जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो ना उतने ही वड़े डालें, इनको ओवर क्राउडेड बिल्कुल नहीं करें।
तो देखिए अभी इसमें से ना बहुत सारे आपको बबल्स दिख रहे हैं, तो जब ये थोड़े सेटल हो जाएंगे ना तभी आप इसको टच करें, उसके पहले आप इसको बिल्कुल टच नहीं करें। तो ये देखिए वड़ों को हमने थोड़ा सा सेक लिया है और अब हम इसको पलटेंगे। तो जब आप देखें ना कि बबल्स आने थोड़े कम हो गए हैं और वड़े आपको लगे कि हाँ थोड़े से पक गए हैं, उसके बाद ही इनको पलटें आप इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि वड़े फट रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको एक टेबलस्पून भर के कूटू का आटा या सिंघाड़े का आटा या फिर राजगिरे का आटा मटेरियल में मिलाना होगा, जो साबुदाने का मटेरियल हमने बनाया था उसको अच्छे से मिक्स करना होगा और फिर उसके वड़े बनाने होंगे। तो जो आटा हम मिलाते हैं उससे बहुत स्ट्रांग बाइंडिंग आ जाती है, फिर आपके वड़े कभी नहीं फटेंगे और बिल्कुल सही बनेंगे। तो ये देखिए हमारे वड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं, एकदम अच्छे से फूल गए हैं आप देखें, और ना इन्होंने बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं किया है। अगर वड़े में मॉइस्चर ज़्यादा होता है ना तो वो तेल भी बहुत एब्जॉर्ब करते हैं और ना वो ठंडे होने के बाद ना बहुत च्यूई हो जाते हैं। तो अगर ये ठंडे भी हो जाएंगे ना और आप इनको खाओगे ना तो एकदम क्रिस्पी लगेंगे ये। तो बस हम इनको निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर पे। तो ये देखिए मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ, ये है हमारा वड़ा फ्राई करने के पहले और ये है बाद में। तो देखिए कितना अच्छा फूल गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है साइज़ में। तो ना अंदर से मैं इसको खोल के और दिखा देती हूँ आपको, कितना बढ़िया है अंदर से, ये देखिए एकदम सॉफ्ट और ऊपर से एकदम क्रिस्प। तो ये देखिए ये है वड़ा जो कि फट गया था। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे ना जो मैंने बताया है तो आपका वड़ा ना इसी तरह से फटेगा और आप उससे जल भी सकते हैं, और अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए क्या बढ़िया फूला हुआ और क्रिस्पी वड़ा बन के तैयार होगा। तो ये देखिए साबूदाना वड़ा मैंने आपको बता दिया है कि परफेक्ट कैसे बनाना है। जब भी आप बनाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके वड़े एकदम परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से एकदम सॉफ्ट। ट्राई करिएगा ये रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।